हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज के टाइम में कंप्यूटर तो सभी लोग यूज़ करते हैं, पर कंप्यूटर में ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो हमें नहीं पता होती, और जो हमें पता हो जाए तो हम अपने कंप्यूटर का काम बहुत ही आसानी और उससे और बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको दो ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहली ट्रिक्स यहाँ पर है, जिसका नाम यहाँ पर क्या है, गॉड मोड। ये ट्रिक्स हमारी क्या होती है कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी सेटिंग्स होती, मतलब हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, जैसे डेट एंड टाइम सेटिंग्स करना होता है तो हम डेट एंड टाइम सेटिंग्स पे ऑप्शन पे आते हैं। हमें फोल्डर की सेटिंग चेंज करना है तो हम फोल्डर सेटिंग ऑप्शन पे आते हैं। हमें अगर यूजर अकाउंट की सेटिंग चेंज करना है तो हम वहाँ पर आते हैं। हमें इंटरनेट से लेकर कोई सेटिंग चेंज करना है तो हम वहाँ पर आते हैं। हमें माउस से लेकर कोई सेटिंग चेंज करना है तो हम माउस सेटिंग्स पे जाते हैं। हमें कीबोर्ड सेटिंग चेंज करना है तो हम कीबोर्ड सेटिंग पे आते हैं। हमें फोल्डर मैनेज सेटिंग चेंज करना है तो हम वहाँ पे आते हैं। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जिनके लिए हमें अलग अलग ऑप्शन पे जाना होता है। गॉड मोड हमारा यहाँ पे क्या होता है, उन सारी सेटिंग्स को आप एक फोल्डर के अंदर स्टोर कर लो, तो क्या होगा, जितनी बार भी आपको कंप्यूटर में कोई भी सेटिंग्स चेंज करना है तो आपको इन अलग अलग जगह नहीं जाना है, आपको खाली उस फोल्डर में आना है और उस फोल्डर में वो सारी सेटिंग्स होंगी जितनी भी हमारे कंप्यूटर में होती, तो उन सारी सेटिंग्स को आप एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हो और अपना काम जल्दी से और आसानी से कर सकते हो। तो देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर एक नोटपैड की फाइल है जिसमें हमने वो कोड यहाँ पर लिखा है। ये कोड यहाँ पर है, ये कोड आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर लें या आप डायरेक्टली भी वहाँ पर लिख सकते हैं, पर हमने यहाँ पे क्या किया, कॉपी कर लिया इसको। इसको देख लें एक बार, कहीं पर आप नोट डाउन कर लें जिससे आपको बाद में लिखने में आसानी हो, या आप कॉपी भी करें तो आप लिख कर कॉपी भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेना डेस्कटॉप पर। तो डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाने के लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू पे आना, पहला ऑप्शन ये आएगा यहाँ पर फोल्डर का। फोल्डर के बाद आपको ये हटा देना है यहाँ से, जो भी यहाँ पर लिखा है और जो हमने कॉपी किया था वो हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो सेम एज जो हमने वहां पर लिखा था, आप चाहे तो यहाँ पर लिखें या आप कॉपी पेस्ट का ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, बस आपको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये आइकन बन के हमारे यहाँ पर आई है। अब जितनी भी सेटिंग्स हमारी हैं वो सारी सेटिंग्स हमारी इसके अंदर आ गई। इसको ओपन करते हैं। जैसे इसको ओपन करते हैं हम यहाँ पर, तो आप देख सकते हो सबसे पहली सेटिंग्स यहाँ पर कौन सी है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के लेकर यहाँ पर सेटिंग्स हमारी, दूसरी ऑटो प्ले से लेकर है, बैकअप एंड रिस्टोर से लेकर है, कलर मैनेजमेंट से लेकर है, यहाँ पर डेट एंड टाइम से लेकर है, डिवाइस एंड प्रिंटर से लेकर सेटिंग्स यहाँ पर है, एक्सेस सेंटर की सेटिंग्स हमें यहाँ पर मिल जाती हैं, फाइल एक्सप्लोरर की ऑप्शन की जितनी सेटिंग्स हैं यहाँ पर, जैसे चेंज सर्च ऑप्शन, ये सारी सेटिंग्स हमें यहाँ पर मिल जाती, फाइल हिस्ट्री की, फॉन्ट की, इंडेक्स ऑप्शन, इंटरनेट ऑप्शन, कीबोर्ड सेटिंग्स जितनी होती है, माउस से लेकर जो भी ऑप्शन आते हैं, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, ये हमें यहाँ पर मिल जाता है, फ़ोन एंड मॉडम से लेकर जो सेटिंग्स होती हैं, पावर ऑप्शन से लेकर जो सेटिंग्स होती हैं, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, रीजन, रिमोट ऐप, डेस्कटॉप कनेक्शन, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस से लेकर जो सेटिंग्स होती हैं, साउंड, स्पीच, स्टोरेज स्पेस, सिस्टम से लेकर, टास्क एंड नेविगेशन से लेकर, ट्रबल शूटिंग से लेकर जो सेटिंग्स हैं यहाँ पर, यूजर अकाउंट्स बनाने के लिए जो भी सेटिंग्स होती हैं, जैसे चेंज अकाउंट टाइप, पासवर्ड रीसेट, क्रिएट अकाउंट, ये सारी सेटिंग्स हमें यहाँ पर मिल जाती है, विंडोज़, डिफेंडर, फायरवॉल, ये सेटिंग मिल जाती है, वर्क फोल्डर, ये हमें सारी सेटिंग्स हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो मतलब हमारा काम यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है, जिन सेटिंग्स के लिए हम अलग अलग जगह ऑप्शन पे जाते हैं वही सारी सेटिंग्स हमें जहाँ मिल गई, तो हम अपना काम बहुत ही जल्दी से और आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये टिप्स हमारी अच्छी लगी हो तो हमारा वीडियो अभी लाइक जरूर करिएगा। दूसरी ट्रिक्स पर यहाँ पर आते हैं। दूसरी ट्रिक्स हमारी यहाँ पर नोटपैड से लेकर है। नोटपैड से मतलब हमारा क्या है, नोटपैड का जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम उसे टेक्स्ट एडिटर की तरह यूज़ करते हैं, मतलब हमें वहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो हम नोटपैड फाइल का यूज़ करते हैं, चाहे हमें हिंदी में लिखना हो या इंग्लिश में लिखना हो। आज हम बताएंगे कि आप नोटपैड की फाइल को डे बुक की तरह भी लिख सकते हो। डे बुक से मतलब हमारा क्या होता है, दिन भर का हिसाब, या डे बाई डे, अगर आप हिसाब लिख रहे हो तो हम एक डायरी बनाते हैं जहाँ हम डे बाई डे हिसाब लिखते हैं। अब उस डे से मतलब हमारा क्या होता है, वहाँ पर हम डेट और टाइम लिखते हैं कि आज की डेट क्या है, या टाइम भी अगर आप लिखना चाहो तो टाइम भी लिख दो, वैसे टाइम कोई कंपलसरी नहीं होता है, पर हम डेट वहाँ पर जरूर डाल देते हैं जिससे हमें याद रहे हाँ किस डेट का है। तो वो ऑप्शन के लिए हमें क्या करना रहता है, हमें डेट और टाइम हमें बार बार लिखना पड़ेगा। आज हम नोटपैड में आपको ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जिससे आप कंटेंट आप खाली लिखो, मतलब जो भी आपको लिखना है वो आप वहाँ पर लिखो, डेट एंड टाइम जो भी आपके कंप्यूटर में करंट होगा वो वहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे।
सबसे पहले यहाँ पर नोटपैड ओपन करना है, तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन प्रेस करना है, विंडो प्लस आर दोनों बटन एक साथ आपको प्रेस करना है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नोटपैड, और ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ओके करोगे तो कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पर लिखना है .log, तो यहाँ पर .log ये हमने लिखा। उसके बाद जो भी कंटेंट आप यहाँ पर लिखोगे, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया SS कंप्यूटर क्लासेस, अब उसके बाद हमें क्या करना है, फाइल ऑप्शन पे आना है। फाइल ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ सेव पे आना है, और यहाँ पर कोई भी नाम आप दे दो, जैसे हमने इसका नाम यहाँ पर दे दिया डेबुक, डेबुक हमने यहाँ पर नाम दे दिया। और यहाँ डेस्कटॉप पर आते हैं और डेस्कटॉप पर यहाँ पर सेव कर देते हैं। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर आए, डेबुक नाम की फाइल हमारी कहाँ पर आई वो देख लेते हैं पहले। ये देख लें, अगर यहाँ पर आए तो ये डेबुक नाम की फाइल हमारी यहाँ पर है। जैसे हम इसको ओपन करें तो यहाँ पर क्या है, हमारे कंप्यूटर में जो यहाँ पर डेट थी वो डेट हमारी आ गई, और जो टाइम हमारा था वो टाइम हमारा यहाँ पर आ गया। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 17 तारीख यहाँ पर डेट है, 21:46, तो यहाँ पर सेम हमारा डेट और टाइम हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। अब मान लीजिए दोबारा से फिर आपने कुछ लिखा, हमने यहाँ पर लिख दिया SS कंप्यूटर क्लासेस इन हिंदी, फिर हम यहाँ पर आते हैं फाइल ऑप्शन पर ही, और यहाँ पर सेव, या आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस बटन भी प्रेस कर सकते हैं। फिर अगर हम इसको यहाँ से क्लोज कर दें और दोबारा से हम ये फाइल ओपन करें, तो आप दोबारा से भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर दोबारा से हमारा डेट भी आ गया और टाइम भी आ गया। अब आए तो यहाँ पर टाइम हमारा कुछ और सेम टाइम आ रहा है, एक बार फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं नोट पैड ट्रिक, फिर यहाँ पर आते हैं, फिर फाइल ऑप्शन पे आते हैं और फिर से यहाँ से सेव कर लेते हैं। अब दोबारा से मान लीजिए फिर हम इसी फाइल को ओपन करें, तो आप देखें यहाँ पर टाइम हमारा चेंज हो गया, तो जो टाइम हमारा था वो ऑटोमेटिक वहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे आप फाइल सेव करोगे, कंटेंट आपको लिखना है, वो ऑटोमेटिक डेट और टाइम हमारा वहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। तो ये नोटपैड की टिप्स है जिसको आप यहाँ से यूज कर सकते हो। मतलब ये यहाँ पर दो बेहतरीन टिप्स यहाँ पर हैं, पहला आपका क्या था गॉड मोड, दूसरा यहाँ पर कौन सा है, नोटपैड में .log आपको लिखना है, जिससे डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक वहां पर आता रहेगा। इन दोनों टिप्स का आप आसानी से यूज कर सकते हो, और इससे आप अपना टाइम भी बचा सकते हो। दोस्तों अगर इनसे लेकर कोई भी आपके मन में सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर देख लें। इसी तरह हम अच्छे अच्छे और भी वीडियोस बनाते रहेंगे, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।